हेलो गाइस, तो फाइनली डीआरडीओ कैप्टन की जिन्होंने फॉर्म भर रखी है उनके लिए एक बैड न्यूज़ निकल के आई है। हुआ क्या है कि इनमें काफ़ी सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि किन वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो आप वीडियो में लगातार बने रहे अंतिम तक, ताकि आपको सारा प्रोसेस पता चल जाए कि आखिर में रिजेक्ट होने का मेन कारण क्या था, कहीं आपका भी तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं इसका ए टू जेड जानकारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डीआरडीओ कैप्टन 10 कैंडिडेट रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। इन्होंने बता रखा है आपका 14 अक्टूबर का, ये आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपका 14 अक्टूबर का, आपका वो इन्होंने ये डाल रखा है आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका कौन कौन सा कैंडिडेट है जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किन कारणों की वजह से रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले हम वो जानते हैं कि आखिर में किन कारण की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कैप्टन 10 की आपकी यहाँ पे दी गई है सारी जानकारी, नॉट कंसीडर एप्लीकेशन, और यहाँ पर रिजेक्ट ऑफ लिस्ट और नॉट कंसीडर ऑफ एप्लीकेशन, इसकी मेन वजह क्या थी। तो चलिए हम उसके वजह पर जानते हैं। देखिए यहाँ पे मेन वजह यह है कि आपका टोटल कैंडिडेट का यहाँ पे कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो 2357 कैंडिडेट रिजेक्ट हैं। तो काफ़ी अच्छी खासे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो इनकी मेन वजह क्या है, तो मैं चलिए यहाँ पे जान लेते हैं इसकी मेन वजह क्या है, क्यों इसे इतने ज़्यादा फॉर्म को रिजेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये इन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस में ये डाल रखा है कि इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव प्रूफ अगेंस्ट दिस देन यू मे प्रोड्यूस इट टू अस बिफोर इतना से इतना। अगर आपके पास इनका कोई भी आपके पास अगर आप दावेदारी हैं या फिर इनके आप कोई दावा मतलब आप अगर दावेदारी करने वाले कि नहीं मैं सत्य हूँ, यानी कि मैं 100% अगर सत्य हूँ, तो आप इस पर 20 तारीख तक आप इस पर आप मेल कर सकते हैं कि नहीं मेरा ये सब सही है, आप मैं पूरा एकदम सही बता रहा हूँ, मैंने आप जो भी फॉर्म भरा मैं अपनी सहमति से भरा, मैं कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो रिजेक्शन की मेन वजह जिसके लिए हम ये वीडियो बनाए हैं उसका मेन वजह यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशन अगेंस्ट वन पोस्ट कोड। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात कह रखी है कि बहुत सारे बच्चे ने इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी होशियारी दिखाने के चक्कर में उन्होंने एक ही ईमेल से आज एक ईमेल से इन्होंने बहुत 2-3 फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन अगेंस्ट वन कोड, मतलब वन कोड से उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन डाल रखे हैं, तो मेनी एप्लीकेशन डालने के चक्कर में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। वो बहुत सारे और एक्सेप्टेड एप्लीकेशन हैज़ बीन इंडिकेटेड इन मार्क्स कॉलम। आप देखिए मार्क्स कॉलम में इन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि आपका कौन कौन सा आपने एक मेल से आपने कितने फॉर्म अप्लाई किया था, उसलिए इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ऐसा ना समझे कि मेरे फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर के वगैरह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका मल्टीपल एप्लीकेशन की वजह से आपका फॉर्म को इतना रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या मल्टीपल किस तरह की आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक इसकी एप्लीकेशन पीडीएफ निकाल रखी है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक नाम है सबसे फर्स्ट नंबर में, आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे नेम है ए गणेश का, उसके बाद इसके फादर नेम है और यहाँ पे मदर्स नेम है, उसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर देख सकते हो आपका रीजन फॉर नॉट कंसिडरेशन, यहाँ पर इन्होंने डाल रखा है मल्टीपल एप्लीकेशन इन, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट, इन्होंने सेम सब्जेक्ट से मल्टीपल एप्लीकेशन डाल रखा था। इन्होंने कई सारे फॉर्म डाल रखे थे उन्हें सेम सब्जेक्ट से, मतलब सेम आपका मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी से इन्होंने कई सारे फॉर्म और सेम ट्रेड से इन्होंने फॉर्म डाल रखे था। आप उसका भी फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है, आपका जो एक्सेप्टेड वाला फॉर्म है वो आपका देख सकते हो, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर है आपको मिल चुकी है, आपकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है ये यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप,
कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म इसी वजह से हुआ है कि मल्टीपल, आप देख सकते हो यहाँ पे मेन रीजन यहाँ पे यही है कि मल्टीपल अप्लीकेशन फॉर सेम सब्जेक्ट, ये सारा यहाँ पे डाल रखे हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम है, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे कैंडिडेट जो भी हैं, यहाँ पे जमीर अली खान का टोटल 2357 कैंडिडेट आपका यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। तो इन सारे को आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी भी एक एक्सेप्टेड एप्लीकेशन थी इतना आईडी नंबर की, तो इन सारे का फॉर्म ने रिजेक्ट कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर आप सत्यापन के लिए आप कर सकते हो मेल, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हो वहाँ पे जाके, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट तो होगा ही। तो आगे हम बात करते हैं कि बस ये छोटा सा जानकारी आपको देना था, अगर आपको ये हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार देता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।